नमस्कार, हेल्थ गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज्योति सिंह। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, क्योंकि माँ में ही वो अपनी संपूर्णता तलाशती है। पर कई बार किसी परिस्थिति की वजह से, किसी कमी की वजह से वो मातृत्व सुख हासिल नहीं कर पाती। ऐसे में कई बार कपल्स जो है वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन अब डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के जरिए कई ऐसे इलाज उपलब्ध हैं। चर्चा हम विस्तार से करें, उसके पहले ये रिपोर्ट। पति पत्नी के जीवन में संतान से बड़ी खुशी दूसरी नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि औरत या मर्द में शारीरिक कमियों के चलते गर्भ धारण कर पाना संभव नहीं हो पाता। नियमित रूप से असुरक्षित यौन संपर्क होने के बाद भी महिला का गर्भवती नहीं होना बांझपन या इनफर्टिलिटी की निशानी है। बांझपन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र, खान पान, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, मेडिकल कंडीशन या व्यावसायिक जोखिम या अनुवांशिक प्रॉब्लम। स्मोकिंग और शराब पीने वाली महिलाओं को भी गर्भ धारण करने में परेशानी आती है। डायबिटीज, थायराइड, हार्मोन संबंधी समस्या या ल्यूटियल फेज डिफेक्ट यानी LPD होने पर प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। साथ ही महिला का सही वजन और सही उम्र होना भी जरूरी है। वही महिलाओं को अपनी जीवन शैली में कुछ खास बदलाव लाने चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा का सहारा तो लेना ही चाहिए। अब बांझपन से घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल साइंस ने काफी हद तक इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ लिया है। दवाई, चिकित्सा उपकरण, टेस्टेड बेबी, शल्य चिकित्सा, IUI, IVF, ART, ICSI के जरिए इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है। साथ ही ट्यूबोप्लास्टी, असिस्टेंट अंडर सेले और प्री इम्प्लांटेशन अनुवांशिक निदान कर रहे हैं। साथ ही कई विकल्प भी सामने आ चुके हैं, ताकि किसी भी महिला की गोद सूनी न रहे। रिपोर्ट IBC 24। इनफर्टिलिटी से कोई जानकारी इस वक्त अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400-877। रायपुर से बाहर के दर्शकों को हम अपना कोड बता दें, 0777। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं आइडियल फर्टिलिटी टेस्ट बेबी एंड जेनेटिक सेंटर जबलपुर के इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब। सबसे पहले मनोज जुड़ चुके हैं राजबान गांव से। मनोज, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। थैंक यू मैडम। मेरा शादी 4 साल हो गया है और अभी तक प्रेगनेंट नहीं हुई है मैडम। डॉक्टर साहब को चेक कराए तो उसने बताया कि आपको थायराइड है। मैडम जी को थायराइड है और क्या NH बढ़ा हुआ बता रहे मैडम। अभी अभी आप रिपोर्ट करवाए जस्ट 2 महीना पहले, तो उसने इंसुलिन बढ़ा हुआ बताया मैडम जी। अभी 2 महीने का टेबलेट दी है डॉक्टर संगीता से, 9 दुर्ग में जी, उनके पास दिखा रहा है मैडम। अच्छा, एज क्या है आप दोनों के? एज हम लोग का, मेरा 25 है, मैडम जी का 26-27 है मैडम। डॉक्टर साहब, आप सुन पाए सवाल? जी जी जी। सबसे पहले बात तो ये है कि जो थायराइड जो कारण है वो बहुत बड़ा कारण नहीं होता प्रेगनेंसी नहीं होने का। दूसरा, यदि थायराइड है भी तो उसको 15-20 दिन के ही इलाज से उसको मेंटेन किया जा सकता है, पर यदि मेंटेन्ड अवस्था में है तो थायराइड की दवाई बंद नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका अभी भी इनको ये नहीं मालूम कि इनका प्रेगनेंसी नहीं होने की वजह क्या है। मोस्ट प्रोबेबली या तो सीमन में प्रॉब्लम है या ट्यूब में प्रॉब्लम है। ये दो टेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप यदि ट्रीटिंग डॉक्टर से ये बात करें कि हमको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, उसका रीजन क्या है ट्रीटमेंट लेने के पहले, तो ज्यादा अच्छा है। या फिर पेपर्स लेके मिलने आ सकते हैं, उनको देख के फिर बताया जा सकता है क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लगातार हमारी कोशिश यही है कि लोगों को हम इनफर्टिलिटी से जुड़े जो कारण है उससे जागरूक कर सकें। एक लाइफस्टाइल पर मैं चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि आज महिलाओं की जो लाइफस्टाइल है, जो उनका खान पान है, जो उनका रहन सहन है, पहले की तुलना में काफी प्रभावित हुआ है। आपको लगता है कि इस तरीके की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो आगे चलकर इनफर्टिलिटी का एक अहम कारण बन सकती है? लेकिन मैं एक बड़ा सिंपल सा जो मेरा एक्सपीरियंस है बता रहा हूँ। मैरिज के बाद में जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल जो भी मानसिक जो प्रॉब्लम होती है नए परिवेश में और नए जो जिम्मेदारियों के कारण, उसके बाद कई बार कई लड़कियों की मैरिज के बाद में पीरियड में डिस्टर्बेंस होता है। और वो डिस्टर्बेंस एकदम जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी में होता है वैसे उसी तरह का होता है। उसमें वो सोनोग्राफी भी कराती हैं तो उसमें जो ओवरी होती है उसमें सोनोग्राफी वाले लिख देते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है।
और उसको एक ब्रांड कर दिया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज करके, पर एक्चुअल पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसमें कि मेल हार्मोन भी बढ़ता है ये वैसा वाला नहीं रहता, और दोनों के ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट होते हैं। मैं ये अधिकतर देखता हूँ जो स्ट्रेस फैक्टर है, खान पान तो है ही, एक ओबेसिटी जो वजन बढ़ना और एक स्ट्रेस फैक्टर जो परफॉर्म नहीं कर पाने का भी एक स्ट्रेस रहता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो भी एक स्ट्रेस बनता जाता है। ऐसे करके वो लेडी जो है वो फीमेल जो है वो काफ़ी मानसिक परेशानी में जाती है, और ये मानसिक परेशानी फिर उसको आगे प्रेगनेंसी होने नहीं देता। ये आप मान के चलिए जब भी टेंशन होती है, जब भी किसी तरह का भी टेंशन हो, चाहे घरेलू हो चाहे कुछ भी हो, ओवरी की ब्लड सप्लाई घटती है। ओवरी की ब्लड सप्लाई यानी अंडाशय की ब्लड सप्लाई यदि घटती है तो अंडों की क्वालिटी में अंतर पड़ने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने देखा है। जी प्रशांत जुड़ चुके हैं रायपुर से, स्वागत है आपका प्रशांत, सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, बोले। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरी शादी को 2.5 साल हुआ है, तो मुझे अभी बेबी नहीं हो रहा है, मेरे पीरियड्स अनरेगुलर है। एज क्या है प्रशांत की? 29 ईयर्स अभी रनिंग है। डॉक्टर से चेकअप आपने करवाया इस बीच? जी हाँ, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, बट रिपोर्ट मेरे हस्बैंड और मेरी नॉर्मल है, बट पीरियड्स भी अनरेगुलर ही है। डॉक्टर साहब जी, मोस्टली ये जो इरेगुलर पीरियड होने का जो रीजन होता है, ये दो रीजन होते हैं, या तो स्ट्रेस फैक्टर होता है, या फिर वजन ज्यादा हो, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो। ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। कई बार मैं कई पेशेंट्स को ये भी देखता हूँ, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, इनके जो गोनाड्रोपिन्स, मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, पर हार्मोन की रिपोर्ट नॉर्मल जरूर रहती है, पर उसमें वो रेंज जो है वो एबनॉर्मल में रहती है। कुल मिला के यदि रिपोर्ट देखी जाए और पेशेंट को देखा जाए तो रीजन बता सकते हैं कि ये स्ट्रेस फैक्टर के कारण पीरियड डिस्टर्ब हुए हैं कि पॉलीसिस्टिक के कारण हुए हैं। दोनों के ट्रीटमेंट एकदम डिफरेंट होते हैं, तो ये मिलके यदि बात मिलते हैं तो जांच करके बताया जा सकता है। सुनीता जुड़ चुकी है दंतेवाड़ा से। सुनीता जी स्वागत है, बताए क्या सवाल है आपका। हेलो, बोला सुनीता जी। जी मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराया था, तो उन्होंने कहा है कि मेरे ना अंडाणु जो बनने का साइज है ना वो बढ़ रहा नहीं है, इसका उपाय बताएंगे डॉक्टर साहब। आपका उम्र कितनी है, एज कितनी है सुनीता आपकी? जी मेरा 30। यदि ऐसा कंडीशन है कि एक बढ़ नहीं रहा है, अंडा बढ़ नहीं रहा है, तो आपको एक AMH करके एक जांच होती है ब्लड की, वो महावारी के किसी भी समय किसी टाइम पे भी किया जा सकता है। उसका लेवल जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि वो कई बार कम रहती है तो उसमें प्रेगनेंसी होने में और अंडा बनने में दिक्कत होती है, पर यदि पीरियड रेगुलर है तो मोस्टली उस लेडी को अंडा अच्छा बनता है, वो रीजन नहीं होता प्रेगनेंसी नहीं होने का, कुछ और कारण होते हैं, वो ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रेस एक अहम लेवल होता है जब जाकर बॉडी को प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब इससे जुड़े कुछ और भी पहलू हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए एक्सपर्ट डॉक्टर दीपांकर बनर्जी। कॉल ले लेते हैं दीपक का, रीवा से उन्होंने कॉल किया है। दीपक जी स्वागत है, सवाल कर सकते हैं आप। बोले, आप टीवी के जरिए नहीं सुने दीपक जी, सीधे सवाल पूछ लीजिए। हेलो, बोलिए। IVF अगर सक्सेस नहीं होता है डॉक्टर साहब तो क्या करना चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। IVF यदि सक्सेस नहीं होता है तो IVF दोबारा करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात, IVF सक्सेस क्यों नहीं हुआ उसका कारण खोजना चाहिए। तीसरा, यदि कारण समझ में नहीं आता है तो कहीं और जाके भी IVF क्यों नहीं हुआ उसका जांच करवाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि मेरे पास भी कई लोग ये पूछते हैं कि IVF यदि सक्सेस नहीं हुआ तो इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सब दिक्कत यह है कि इसमें पैसे खर्च हो जाते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता, उसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, पर आप वो इतना बड़ा प्रॉब्लम लेके आते हो कि इसमें ये काम करना जरूरी है तभी व्यक्ति करता है, तो ये एक युद्ध की तरह है, युद्ध हमेशा जीतने के लिए लड़े जाते हैं। यदि हार भी होती है तो पुनः उसमें जाना चाहिए, तब जाके आपको सफलता मिलने की संभावना है। प्रिया जुड़ चुकी है रायपुर से, प्रिया स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो, बोलिए।
मेरे को ना पीरियड से मैंने मेडिसिन लेने पे ही होता है, मेरे को 4-5 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम है और मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही हूँ। क्या एज है आपकी? 27। और शादी को कितने साल हो गए आपके? 3 साल हो गए। और अंडे बनने की मैंने इंजेक्शन लगाई तो उससे अंडा तो बना है 2 बार, पर एक बार फूटा नहीं था और एक बार फूटा था तो कंसीव नहीं कर पाई, और एक बार IUI भी हो चुका है। तो मुझे क्या करना चाहिए? और पीरियड्स होने के लिए हमेशा मैं एक्चुअल टंकी गोलियां लेती हूँ, तभी मेरे को पीरियड्स होते हैं। कितना दिन की गोलियां लेती हूँ? 21 दिन की गोलियां लेती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये जो पेशेंट है ये प्राइमरी ओवेरियन ये हाइपरथैलेमिक ये स्ट्रेस फैक्टर से ही प्रॉब्लम है इनको, और इनको इंजेक्शन दे के जो अंडे बनते हैं उस हिसाब से ही इनको प्रेगनेंसी हो सकती है। पर यदि नेचुरली अंडा बन के इंजेक्शन दे के अंडा बन के नेचुरली इंटरकोर्स में यदि प्रेगनेंसी नहीं होती है तो IUI बहुत बड़ा उसका आंसर नहीं है, आपको IVF में जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पीरियड रेगुलर क्यों नहीं आ रहा है और 21 दिन की गोलियाँ लेके ही क्यों आते हैं, वो जांच करना बहुत जरूरी है। दो तरह की ये एमिनोरिया होती है, दो तरह के पीरियड के डिस्टरबेंस होते हैं, जो एक 21 दिन की गोली से ठीक हो सकते हैं और एक नहीं हो सकते, वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। पेपर लेके दिखाने आएंगे तभी बता पाऊंगा पूरा डिटेल। पूनम जुड़ चुके हैं, अम्बाला सेमिनार में कॉल किया है। पूनम स्वागत है, बताएं क्या समस्या है। पूनम सुन पा रही हैं आप मुझे? 10 साल की। जी पूनम कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ। फिर से सवाल दो रहा है अपना। हाँ जी, गुड़िया है 10 साल की। हाँ मुझे तकनीकों में एक बार अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है, मेरे ट्यूब टेस्ट वगैरह सब क्लियर है टेस्ट। 10 साल की एक बेटी है डॉक्टर साहब, और एक कंसीव हुआ था लेकिन वो अबॉर्ट हो गया, दोबारा बच्चा नहीं हो रहा है, ये सवाल है इनका। मोस्टली जो प्रेगनेंसी जिसको हुई है, जिसको जो कि फर्टाइल लेडी है, उसको यदि दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसके ट्यूब में दिक्कत होती है। ट्यूब के खाली खुले रहने से ही काम नहीं होता, ट्यूब में जो फंक्शन होते हैं उसको फर्टाइजेशन मतलब इसको पैसेज देना, इस भ्रूण को खाना देना और इस भ्रूण को यहाँ तक पहुँचाना, ये 3 फंक्शन होते हैं। इन तीनों फंक्शन में भी कोई एक फंक्शन नहीं हो रहा तो इस ट्यूब के खुले रहने के बावजूद भी ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। ऐसे केसेस में यदि इनको प्रेगनेंसी की बहुत चाहत है तो ज़्यादा समय न गंवा के इस काम को बाहर करना चाहिए, जिसको IVF बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 10 साल की यदि गुड़िया है तो 10 साल आप क्रॉस कर चुके हो, आपकी एज भी बढ़ रही है, उसमें आपके अंडों की क्वालिटी खराब हो रही है, तो जो भी निर्णय लेना हो ले लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिसे कई बार जो ऐसे लोग हैं, जो परिवार है, जहां पर समझ नहीं पाते कि तनाव भी एक वजह हो सकती है। ऐसे में अगर कोई तनाव हो रहा है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या ट्रीटमेंट हम करें कि जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो और आगे चल के जो लाइफ है वो स्मूथ जी सके कोई महिला? देखिए जनता जी, एक बहुत फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जो फीमेल है पूरा का पूरा अधिकतर अभी भी जो पूरा बच्चा नहीं होने का दोष उस पर मारा जाता है, और चूंकि उसके ऊपर उसके ऑर्गन्स ज़्यादा होते हैं, उसके पास ज़्यादा अंग हैं, इसलिए उसमें डिफेक्ट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। कई लोग बड़े पॉइंट ब्लैंकली पूछते हैं कि डिफेक्ट किस में है, फीमेल में है कि नहीं है। ये चीज़ें जब किसी फीमेल को या किसी लड़की को आप बोलते हो कि तुम में डिफेक्ट है इसलिए नहीं हो रहा, तो आप उसकी मानसिक स्थिति समझ सकते हो कि उसकी तनाव की तो चरम स्थिति में पहुंच जाती है। पोस्ट मैरिज यदि पूरा का पूरा जिम्मेदारी बच्चा करने का उसके ऊपर आ जाए और वो नहीं कर पाए, तो ये जो तनाव है, ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, मैं लड़कियों को कहता हूँ कि आप बंदूक दिखा के प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जब भी आपके ऊपर टेंशन होगी, आपकी ओवरी की सप्लाई, आपका पीरियड, आपका सब कुछ डिस्टर्ब होगा। तो मैं अधिकतर मेडिटेशन करने बोलता हूँ, मैं काउंसिल करता हूँ पेरेंट्स को, उनके इन-लॉज को, कि उसको थोड़ा सा आप रिलैक्स कर दो, थोड़ा सा उसको जगह दो, थोड़ा सा स्पेस दो। आप देखेंगे कई बार पहले ये भी बोला जाता था कि आप बाहर घूमने जाइए तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो उसका एक रीज़न होता था कि आप एक स्ट्रेस फ्री माहौल में जाते हो। आजकल इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है सब कुछ, और इतना ज़्यादा पैसे की भी प्रॉब्लम हो गई है कि आदमी रिलैक्स ही नहीं हो पाता। तो कम से कम मैं अपने कोर्स भी चलाता हूँ अपने यहाँ पर, जो फीमेल्स हैं उनको मेडिटेशन सिखाता हूँ मैं, कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, उसको माइंड बॉडी रिलैक्सेशन बोलते हैं। अपने हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए जी। कुछ ऐसे ही और अहम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रागिनी जुड़ चुकी है हमारे साथ में कोटा से। रागिनी स्वागत है, सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोले। हाँ सर, मेरा ना 28 मार्च को पीरियड आना था और एक महीना हो गया अभी तक पीरियड नहीं आया। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो नेगेटिव आया और कोई दर्द कोई तकलीफ कुछ नहीं है, नॉर्मल है। और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया और एक महीने से पीरियड भी नहीं आया। डॉक्टर साहब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? नहीं, जिसको पीरियड रेगुलर आता था और एकदम अचानक एक महीने यदि मिस करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन वाला नेगेटिव आता है तो मैं उसको ये एडवाइस करूंगा कि आप ब्लड वाला एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करा लें। उसको सीरम बीटा HCG बोलते हैं, वो किसी भी अच्छे पैथोलॉजी लैब में हो जाएगा। उससे ये पक्का हो जाएगा 100% की प्रेगनेंसी है कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस जिनका पीरियड रेगुलर आता है और यदि पीरियड मिस किया और यूरिन वाला टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो एक्टोपिक मतलब ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के भी खतरे रहते हैं। दूसरा, कई बार साल में एक आध बार पीरियड में मिस्टेक आना आम बात है, वो नॉर्मल है, उसको लेके बहुत टेंशन नहीं करते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्ट्रेस पर ही मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि स्ट्रेस जो होता है उसको शारीरिक तौर पर जो आसपास रह रहे हैं हमारे व्यक्ति हैं, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वो नहीं समझ पाते हैं और स्ट्रेस एक कारण भी नहीं समझते हैं। स्ट्रेस होने से बॉडी में किस तरीके की प्रतिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जो आपको इनफर्टिलिटी के लिए भी आगे चलकर रिस्पॉन्सिबल बनाती है, इस पर थोड़ी सी विस्तार से चर्चा और कुछ उपाय आप जरूर बताएं। देखिए ज्योति जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो प्रेगनेंसी नहीं होती वो एक टेंशन होती है, दूसरा जब ये दिखाने जाते हैं कहीं पर, कहीं मैं नाम नहीं बताना चाहता पर कई जगह पर जब ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो वहाँ पर इनको कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर ये समझाने को राजी नहीं होता ना उनसे बात करने को कि उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसको एक ऐसी वजह बता दी जाती है जो कि पहले नहीं बताई गई। ये जो पेंटअप होता है, ये जो एड ऑन होते हैं स्ट्रेस और हर बार जाके एक हताशा लगती है, ये एक के बाद एक जोड़ती जाती है जो बहुत ज्यादा एक टेंशन का निर्माण करती है। मेरे पास जब आते आते पेशेंट आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ कि ऑलमोस्ट ब्रेक ब्रोकन कंडीशन में रहते हैं, उनको आप फिर से रिवाइव करके उनका IVF करना, तो जब तक मेंटली कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी आप कुछ भी एम्ब्रियो डाल दो, अच्छा कुछ भी कर दो, वो प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। इसलिए बेहतर यह है कि एक ऐसे सेंटर में जाना जहां पर डॉक्टर आपका सुने, आपसे बात करे और आपको रीजन बताए, तब जाके वहां बड़ी हेल्प होती है। रेशम जुड़ चुकी है डॉक्टर साहब भिलाई से, इन्होंने कॉल किया। रेशम स्वागत है आपका, सवाल कर सकती हैं आप। नमस्ते मैम जी। मैं डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा सवाल है कि मेरी हाल ही में शादी हुई है, मेरी उम्र है 32 ईयर्स बनी। अगर मैं सभी 2015 में फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे अबॉर्ट हो गई और सेकंड प्रेगनेंसी अभी मेरी हुई जिसमें 38 हो गई, जिससे मेरा सीजर हो गया है सीजरियन। तो मैं पूछना चाहती हूँ सर, मैं दोबारा ठीक से प्रेगनेंसी हो पाएगी कि नहीं और मैं कब तक अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग करूँ? बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन, और मैं आपको सिंपल एक आंसर बता रहा हूँ कि आप यदि प्रेग्नेंट हुई थी तो आप फर्टाइल है, मतलब आप उर्वर हो, ये पक्का है, मतलब आपके बीज और हस्बैंड के बीज अच्छे हैं। आप यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ग्रसित हुई हो तो जो दो ट्यूब है उसमें जो बेहतर ट्यूब है उसने काम करने की कोशिश करी थी और इस भ्रूण को यहाँ तक पहुँचा नहीं पाया और फेल हो गया, ट्यूब बच्चे के साथ नहीं पड़ी तो फट जाती है, इसलिए ऑपरेशन हो गया। जो बची हुई ट्यूब है वो दूसरे से बेहतर नहीं है तो उसका काम करना कठिन है, कई बार इस ट्यूब में भी एक्टोपिक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप बहुत वेट ना करके IVF करवा लो, क्योंकि आपकी उम्र कम रहते आपके चूंकि बीज अच्छे हैं तो आपको IVF में सफलता की दर ज्यादा रहेगी। बहुत दिन वेट करने का कोई मतलब नहीं होता जिसको एक बार एक्टोपिक हो चुका है। चलिए डॉक्टर साहब, अहम विषय पर चर्चा और समाधान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ज्योति जी, थैंक्स अ लॉट। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।